welcome to Let's Talk Show, which is live show, and I'm conducting this live show every night. Today we are going to connect with Mr. Satish Sharma. Mr. Satish Sharma jo hain wo hain human rights activist aur president hain Jammu province ke ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट है उसके प्रेसिडेंट हैं। तो अभी थोड़ी देर तक आपके साथ रूबरू होंगे मिस्टर सतीश शर्मा जी, जो कि ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं जम्मू प्रोविंस के। तो वो अभी थोड़ी देर तक आप लाइव में आ जाएंगे हमारे, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे तो अभी सतीश शर्मा जी को मैंने इनविटेशन भेज दिया है, वो अभी लाइव आ जाएंगे। तो हम डिस्कस करेंगे कि ये ह्यूमन राइट्स जो वायलेशन होता है वो क्या होता है, और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का क्या काम होता है, और ये इनका जो ये प्रेसिडेंट है ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं जम्मू प्रोविंस के, तो इनके साथ हम डिस्कशन करेंगे, डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। सतीश शर्मा जी अभी लाइव आ रहे हैं हमारे साथ, हम वार्म वेलकम करते हैं अपने आज के गेस्ट जो हैं मिस्टर सतीश शर्मा जी, जो कि ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट जो है ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट उसके प्रेसिडेंट हैं जम्मू प्रोविंस के। तो अभी रूबरू होने वाले हैं मिस्टर सतीश शर्मा जी, ही हैज अ नॉलेज, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल मिस्टर सतीश शर्मा जी। थैंक यू आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू गौरवानी जी। तो ये मुझे थोड़ा सा आप बताएं, ये ह्यूमन राइट्स जो ट्रस्ट है इसका काम क्या है, और इसमें क्या क्या काम किया जाता है, और क्या क्या काम करने बाकी हैं? सर, इसमें हम लोग बस यही है कि बस पब्लिक, हाँ बोलो, कैरी ऑन सर, कैरी ऑन। जी गौर जी, इसमें यही है कि हम पब्लिक की हेल्प किस तरह करें जी, कौन से परेशान जो आम पब्लिक रहती है, कई जिनको कोई हेल्प नहीं करता, जैसे कि हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में काफी प्रेजेंट सुना गया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अपने जो गरीब लोग हैं जिनकी कोई जान पहचान नहीं होती, तो वो बेचारे दर दर आगे पीछे भटकते हैं, लेकिन उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाता। Yes. तो मैं उनकी तरफ से उनको सपोर्ट करने के लिए खड़ा हूँ, अपनी तरफ से उनकी सपोर्ट करने के लिए खड़ा हूँ। तो उनको कोई परेशानी हो तो मुझे कॉन्टेक्ट करें, या मैं उनके पास चला जाऊँ, कुछ उनकी जो मुश्किलात हैं उनको हल कर सकूँ। यही हमारे जो हमारी ट्रस्ट का भी यही मोटिव है कि हम किसी तरह किसी के काम आ सकें, और कैसे आ सकें ये चीज़ हमारी आगे। अच्छा सतीश जी, ये जो ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट है आपका, ग्लोबल ग्लोबली काम कर रहा है, हाँ, जी जी। तो ये सिर्फ हेल्थ को नहीं सर, इसमें ये हमारा मल्टी है, इसमें मल्टी काम करते हैं, खाली हेल्थ नहीं है इसमें, हमारा हर एक डिपार्टमेंट है। बट मेरे को जो उन्होंने एक छोटी सी जिम्मेवारी दी है मेरे को, जो मैं अपनी बखूबी निभाऊंगा, तो मेरे को हेल्थ का डिपार्टमेंट का उनको चुना गया। जी जी। अच्छा, आप हेल्थ का डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं जम्मू प्रोविंस का पूरा, तो इसमें तो आपने आगे बॉडी भी बनानी होगी कि आगे मेंबर्स भी रखने होंगे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में। जी 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 जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप हम आगे पढ़ते जाएंगे, इनको देखते जाएंगे कि आगे हम क्या क्या करते जाएंगे, कहाँ कहाँ हमें लगता है कि हर एक बंदा कैसे, कौन सा बंदा जो एक्टिव है, जो एक्टिव पर्सन होगा, वो हम उसको अपने साथ अटैच करेंगे, जो काम करने वाले होंगे ईमानदार रहेंगे, जो कि किसी के साथ धोखाधड़ी ना करें, हम ऐसे बंदों का अपने साथ अटैच करते हैं। जी जी जी।
क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, जैसे मान लो अगर इस चीज के साथ डील करना हो, ह्यूमन राइट्स बड़ा सेंसिटिव मसला है आज की डेट में, तो जी इसमें क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करनी पड़ती हैं? मान लो कहीं पे डॉक्टर मना कर देता है मैंने जी ट्रीट नहीं करना है, जी या जानबूझ के बिल्कुल कहीं वो रेफर कर देता है बिल्कुल पेशेंट सर, को, बिल्कुल बिल्कुल बोलता है जी बिल्कुल किडनी बिल्कुल भेज यही दो होता या है सर, कहीं और भेज दो, या बिल्कुल किसी अपने बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज देता है कि जी यहाँ पे ऑपरेशन होगा, वहाँ पे ऑपरेशन होगा, तो आगे इन्हीं चीजों को रोकने के लिए, इन्हीं चीजों को रोकने के लिए सर हमने ये स्टेप उठाया है कि जी जो जो लोग, हाँ जो लोग बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने आप को नहीं जाने के लिए इतनी इतनी पैसों की नहीं है इतनी कि वो जाएं अगर हॉस्पिटल में प्राइवेट में डॉक्टर के साथ आए करें या डॉक्टर के साथ जाकर के कंसर्न करें, तो वो बेचारे जो अपने आगे कहीं किसी किसी के आगे अपनी जो मुश्किल है वो किसी से आगे बात नहीं कर पाते, तो हम उन लोगों की हेल्प करें चाहते हैं। जो डॉक्टर आनाकानी करते हैं कि नहीं हम ये काम नहीं करेंगे, अच्छा जी मैं बिजी हूँ मैं बाद में मिलता हूँ मुझे क्लिनिक जाना है, इन डॉक्टर्स के अगेंस्ट हम लोग थोड़ा सा स्टेप उठाएंगे कि नहीं जो मजबूरी में है जो लोग प्योरिटी पे हैं आप पहले उनको देखें, आपको सरकार जो सैलरी दे रही है वो किस बात की दे रही है कि आप हम गरीब बच्चों को देखें, गरीब इंसानों को देखें, बिल्कुल बिल्कुल। उसी पे अच्छा हमारा ज्यादा फोकस है। हाँ स्थिति जी, एक यहाँ पे एक और इशू आता है कि जैसे कि कोई गरीब आदमी है, उसने कोई ऑपरेशन कराना है, उसमें 10-20 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है, तो ऐसे लोगों को जी कैसे आप फैसिलिटेट करते हैं, या ऐसे लोगों को कैसे आप आइडेंटिफाई करके उनकी हेल्प करवा सकते हैं लोगों से या अपनी सर, ऑर्गेनाइजेशन से? ऐसी कोई कमिटमेंट मैं अपनी तरफ से नहीं करूंगा, ये पहले अपने जो हमारे जितने भी सीनियर हैं उनसे बात करने के बाद मैं ऐसी कोई कमिटमेंट करूंगा कि हम उनकी हेल्प कैसे और किस बिहाफ पे कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज है कि जो तो हॉस्पिटल के अंदर कोई किसी को परेशानी आ रही है, जो हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी है कोई हम किसी को कोई परेशानी आ रही है, तो उसके लिए हम 24 आवर हेल्प करने के लिए खड़े हैं। वैसे भी जैसे मान लो अभी जो आयुष्मान जेके हेल्थ नाम दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, जेके हेल्थ उसमें भी जो है देखा मैंने पांच कि हाँ 5 लाख का कवर तो देती देती है वो, तो ऐसे भी बिल्कुल सर, वो तो हर एक हाँ इंडिविजुअल को मिलता ही मिलता है, तो जी उसके ऊपर अगर किसी का कभी बजट जाता है तो है नहीं वो एलिजिबल, मान लो उसके पास अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए भी कोई फैसिलिटेशन होना चाहिए। मान लो अगर आपकी ऐसी उसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसके लिए सर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं है। हाँ जो बिल्कुल ही पुअर पीपल्स होते हैं जिनके लिए कोई नहीं होता, तो उसमें ये होता है कि हम लोग अपनी ही पॉकेट से उनकी कुछ हेल्प कर पाए, ये कर सकते हैं। अगर आप सरकार से लेके हम कहेंगे कि हमारा सरकार के आगे एक पॉइंट जरूर रहेगा कि 1-5 लाख रुपए छोटी सी अमाउंट है, कुछ भी नहीं है, अगर इनको कुछ इन्हांस कर सकते हैं तो वो करें, ठीक है। और कुछ ऐसा भी है कि जो हॉस्पिटल्स हमारे गवर्नमेंट ने उनके साथ मैपिंग कर रखे हैं, जो आयुष्मान है उसमें कई हॉस्पिटल ऐसे जो हमारे साथ मैपिंग होने हैं कर रखे हैं, कई उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कई उनको सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे, कई नहीं प्रोवाइड डॉक्टर कर रहे कहते हैं कि जो हैं। हमारे पास हम ये ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, हमें ऊपर से परमिशन नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने एक बार मैपिंग कर दिए तो फिर उसके बाद किसकी आपको परमिशन चाहिए दोबारा कि आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो, ये मैंने कई कंप्लेन सुनी है। जैसे कि हमारे बत्रा हॉस्पिटल है वहां के लिए मैंने सुना है कि ऐसे ऐसे है कि यहाँ पे आयुष्मान की जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की तरफ से चल रही है वो उनके साथ मैपिंग में है, बट वो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि कई जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको वो सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पा उनको रहे, एंटरटेन नहीं करते हैं। जी नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, जी। उसी के लिए सर हम ये देखेंगे कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। नहीं, बहुत ये नेक काम है, इसको पुण्य पुण्य है ये, तो ये पुण्य जी आप कर बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल तो जी। आप एज ए ह्यूमन बीइंग भी नाइस इंसान है, तो थैंक यू आपकी सर, आप थैंक अच्छा काम यू करते रहे सर, हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हमेशा रहेंगी, आप ये नेक काम करते रहें। और इसमें जैसे मान लो ह्यूमन राइट्स सिर्फ मेडिकली ह्यूमन राइट्स नहीं, इसके अलावा भी ह्यूमन हमारे राइट्स, पास ऐसा कुछ नहीं है कि हम सिर्फ हेल्थ का ही देख रहे हैं, हमारे पास सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बट पर्टिकुलर अलग अलग पर्सन को हमने अलग ये अलग रखा हुआ है डेस्टिनेशन। डिपार्टमेंट, जी जी हाँ, सबको अलग अलग डेस्टिनेशन दे रखी है, तो जो मेरे के उन्होंने जो मुझे जिस काबिल समझा उन्होंने मुझे वो डिपार्टमेंट। आप ये मान लो हेल्थ का देखते हैं। जी जी जी
अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज लेट्स टॉक शो में, आप मेरे शो में आए और थैंक यू सर, थैंक यू आप, मैं बहुत ही शुक्रगुजार बनूंगा आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके शो में आऊं और आपके साथ रूबरू हूं और बात करूं। थैंक यू सो मच।